गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। और गाइज आज का मौसम तो इतना बढ़िया हो रहा है ना, मतलब लगातार बारिश हो रही है, रुक ही नहीं रही है एकदम। और यहाँ आ गया मेरा नाश्ता, मैंने बनाई है साबुदानी खिचड़ी और ये है गर्मा गर्म चाय, जो करेंगे इस मौसम के साथ इंजॉय। और आज ये भी स्कूल नहीं गए क्योंकि इतनी बारिश हो रही थी कि गए नहीं, और जिम भी नहीं जा पाए। जिम तो कैसे ही जाते हैं इस वजह से, एकदम जैसे बिजली नहीं कड़की इतनी तेज, इतना सही मौसम, बहुत सही मौसम हो रहा है वहां पे। देखो पानी वानी सब भर गया, अपनी छत पे पानी। अरे नाश्ता तो कर लो, ये तो ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं पानी से। देखो ये देखिए दोस्तों, पूरा ये जो है पानी भर गया है हमारी छत पे, इसे निकालना पड़ेगा। चलो भाई आते हैं, उधर सारी जगह पानी भरा है, काफी देर से बारिश हो रही है। अच्छा लगभग 2 घंटे हो गए, 2 घंटे 2.5 घंटे हो गए, 7 बजे से हो रही है, 9:30 हो गया है अभी। तो दोस्तों हम इनको दिखा रहे थे, ये देखो पानी में अधिक कितनी अच्छी सी बन रही है जब बारिश की बूंदें पड़ रही है। देखो कितना सही व्यू आ रहा है। वो देखो मैंने भी छोटी चीज नोटिस करी है। क्या जो वो है पेड़, उसको ग्रीन वाले देखो झरना ये देखो, हाँ इन्होंने भी नोटिस कर लिया। अरे सो रही, भीग नहीं जाओगे? आता नहीं अपने पास, छाता तो है लेकिन नीचे है। अरे अभी मत जाओ, वो फिर भर जाएगा। अच्छा छोटा स्विमिंग पूल है, उसमें चाहे तो कोई नहा भी सकता है, काफी पानी है। जल्दी निकाल के आओ, बारिश हो रही है। तो दोस्तों हमारे यहाँ तारक मेहता के इतने बड़े फैन हैं कि हमारे जो कहजारी वाला पुल है उसके सामने, उसके सामने गोकुल धाम सोसाइटी है। देखिए आपको देखिए, मुश्किल से दिख रहे लेकिन ये देखो दिख गया, दिख गया, दिख गया, दिख गया, गोकुल धाम सोसाइटी। तो खाना खाकर आराम से ये बाहर खड़े हुए हैं, बाहर के नजारे ले रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं है कि मैं आ गई हूँ। आधा बचा था कल वाला, वही खा। अभी हो रही है कितना बज गया? 2:15। सवा दो, देखो ऐसा लग रहा है सुबह ही हो रही है, सुबह या शाम। तो गाइस टाइम हो गया, कम हुआ है, और मैं हम लोग जा रहे हैं मार्केट और जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट काम से, क्योंकि अभी मम्मी और हम लोग सब बैठ के चाय पी रहे थे तो मम्मी ने अचानक, मतलब मुझे याद था पर इतना नहीं याद था कि इतने कम दिन रह गए। मम्मी ने कहा करवा चौथ के 4 दिन रह गए, और मैं एकदम वो कि मैं 4 दिन रह गए, मैंने कहा मैंने तो कोई तैयारी नहीं करी अभी तक। तो मैं जो हूँ इस बार मतलब कुछ नया नहीं ले रही हूँ, हर बार क्या ही नया लेना, हर साल ही आता है। तो मेरे पास एक रखा हुआ है तो मुझे उसे थोड़ा वो कराना है, ठीक कराना है, तो मुझे उसके लिए टेलर के पास जाना होगा। तो मुझे टेलर के यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट जाना है, कल है ईद तो कल भैया शायद होंगे भी नहीं, तो मैं सोच रही हूँ आज ही जाके दे आऊँ तुरंत, और फिर मेरा ये काम हो जाएगा तो मेरी टेंशन भी फ्री हो जाएगी कि ये पहनने को तो हो जाएगा। सही है ना, आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच तैयार कर रही हूँ मैं। स्क्रैच नहीं है मेरी, बहुत अच्छी वो है, बस उसमें थोड़ी दिक्कत है, मैं अभी से इसलिए नहीं बता रही हूँ, फिर आप लोगों को पता चल जाएगा, फिर मजा नहीं आएगा उस दिन, तो इसीलिए मैं अभी नहीं बता रही, उस दिन दिखाऊंगी आपको कि मैं क्या पहनने वाली। तो हम लोग हो गए रेडी और जा रहे हैं, चलो निकलते हैं फिर। इतना ठंडा मौसम है कि बाइक जो है वो स्टार्टिंग नहीं हो रही है। भुक भुक कर रहे हो, सबसे मेन चीज है कि इसमें केक ही नहीं है, सिर्फ सेल्फ स्टार्ट होती है। ए भुक भुक कर रही, सोचते हैं हमें जल्दी जाना है तभी हम लेट हो जाते हैं, क्या करें। दीदी इतने दिन से मुझसे कह रही थी, आई हुई थी कि तुम क्या पहनोगी क्या पहनोगी, तो मैं ये दीदी मैंने सोचा ही नहीं, और जब अचानक मुझे याद आया तब मेरा दिमाग की बत्ती जली है कि मुझे ऐसा कर लेना चाहिए कि ये पहन लेती हूँ। और लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रही तो हम लोग लेट हो रहे हैं, और अगर बंद हो गई तो कल भी नहीं दे पाएंगे और फिर रह जाएगा, नहीं होगी ना ऐसा है ना, ये बेचारी हो गई है 10-12 साल पुरानी, तो कभी कभी अपना बुढ़ापा दिखा देती है, बुढ़ा गई है बाइक। तो चलो अब ठंडी, आज ठंडी ज्यादा थी तभी स्टार्ट होने दी। फाइनली वो घड़ी आ गई है जब हम निकल पा रहे हैं, अरे तो जाते हैं देखते हैं मिलते हैं या नहीं। लेजर पूछ लेता जी से, वहीं सामने ही पूछ लूंगा। भैया नहीं है? भैया तो थे नहीं पर वो बैठे हुए थे,
उनके वर्कर, तो उन्होंने बोल दिया कि वो मेरा काम कर देंगे, तो वो हो जाना चाहिए, बस अच्छे से हो जाए तो ज़्यादा सही है। है छोटा सा काम, बस थोड़ा सा ट्रिकी है इस वजह से, तो फिलहाल हो गया है, अब चलते हैं। कहाँ, क्या? अच्छा लेज़र, मैं तो भूल ही गई ब्लॉग बनाने के चक्कर। चलो इनकी लेज़र पूछ लेते, इनका बड़ा मन है लेने का, और बारिश भी शुरू हो गई है। तो मिल तो गई है भैया के पास, लिए हमारी लेजर हमें मिल चुकी है। जी कितने खुश, देखो तो मार्केट का काम तो हो चुका है, अब हम लोग जा रहे हैं हमारे शाहजहांपुर में। सोचिए पिज्जा हट खुल गया है, तो खाने वाली चीज को ले हम लोग ना जाए ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता है। तो हम लोग जा रहे हैं पिज्जा हट ट्राई करने। मैं आपको सच बताऊं तो मैं पिज्जा हट कभी, मैंने पिज्जा ट्राई नहीं किया, मैंने हमेशा डोमिनोज का किया है और पिज्जा हट कभी भी नहीं किया। ये खा चुके हैं, हमने खाया 12-13 साल पहले, एक बार गए थे जब बासु ने गिलास तोड़ा था उसका, तभी बासु ये देख लो आपकी दिन वो बात अभी तक याद है। तो तब ये गए थे तो तब इन्होंने खाया था और ये बता रहे हैं कि अच्छा होता है पिज्जा, तो हम लोगों ने सोचा हमारे शाहजहांपुर में खुला है तो ट्राई क्यों ना करें। तो चलो मेरा तो फर्स्ट टाइम ट्राई होगा, तो देखते हैं कैसा होगा। काफी लोग हैं, पिज्जा हट, और अब वो देखें KFC भी जो है जल्दी खुलने वाला है शाहजहांपुर में, और मेरा मन है मैकडी भी खुल जाए साथ में, तो मेरी तो लौटने लग जाए क्योंकि KFC मुझे पसंद नहीं है। पिज्जा हट आज ट्राई करते हैं और दिखाते हैं आपको कैसा है उसका पिज्जा। हम लोगों ने सोचा है कि टू वेज पिज्जा है, सेट ऑफ टू वेज, इसमें कोई भी फ्लेवर का फन पिज्जा जो है हम लोग ऐड कर सकते हैं, तो हम लोगों ने सोचा वो ट्राई करते हैं। तो दो दो पिज्जा ट्राई करने को मिल जाएगी, मुझे लग रहा है स्मॉल वाला होगा। हाँ होगा स्मॉल ही, ये पिज्जा मेनिया तरह है जैसा डोमिनोज का। पहले वो खा कर देखते हैं फिर देखते हैं कि कैसा है। हम लोग लेने वाले थे पहले फन पिज्जा जो सेट है टू का, लेकिन ज्यादा डिमांड की वजह से पहली बार शाहजहांपुर में पिज्जा हटाया है, तो उस वजह से जो डो है उसकी शॉर्टेज हो गई, तो वो कल मिल पाएगा। तो अभी हम लोग मील ले रहे हैं जो हमें 576 के अराउंड पड़ी है, जिसमें एक गार्लिक ब्रेड है, एक है तंदूरी पनीर पिज्जा, और एक है हमारी सॉफ्ट ड्रिंक पेप्सी, मीडियम साइज पिज्जा। तो ये लेते हैं फिर पता चलेगा। मेरा पिज्जा जो है वो ऑर्डर हो गया है, तो अब मैं इंतजार कर रही हूँ, फिर आपको बताऊंगी कि कैसा टेस्ट है। मैं तो पहली बार टेस्ट करने वाली हूँ। तो गाइज मैं आपके लिए जो है वो मेन्यू दिखा दे रही हूँ, ताकि आपको कुछ जानना हो तो आप इसमें से देख लीजिएगा, पूरा फुल मेन्यू है एकदम। और इधर भी ऑप्शन है पिज्जा के, पॉज करिए और देख लीजिए, तो आपको प्राइस पॉइंट का भी आइडिया हो जाएगा और वैरायटी का भी। हमारी मील जो है वो आ चुकी है, ये कुछ ज़्यादा ही हो गई, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो सही है यार, बढ़िया लग रहा है पिज्जा देखने में, देखने में तो बहुत अच्छा। ट्राई करने जा रही हूँ पिज्जा, अब देखते हैं कैसा होता है, देखने में इतना सच में अच्छा लग रहा है ना, खुशबू भी बहुत अच्छी है, अरोमा बहुत अच्छा इसका। तो रेट को कंसिडर करते हुए जो कि 576 है, उसके हिसाब से हम लोगों को बहुत कुछ मिला है, डोमिनोज में इतना नहीं मिलता। डोमिनोज में हमें एक मीडियम पिज्जा खा पाते, पिज्जा का टेस्ट तो अच्छा है, फ्लफी है, उसका खा के अभी देख के बताते हैं। चीज पुल भी अच्छा है। ट्राई करने जा रही हूँ गार्लिक ब्रेड स्टिक, मेयोनीज भी दी गई है साथ। ओके ओके, ठंडी भी हो गई, ठंडी हो गई। फिलहाल अपनी दो स्लाइस बनी है, दोनों हम लोगों ने खा ली, पता ही नहीं चला। ब्रेड स्टिक जो है वो ठंडी हो गई, तो हम लोग सोचा घर पे जाके माइक्रोवेव करके खाएंगे आराम से। और पिज्ज़ा मैंने मम्मी के लिए रखा है, मम्मी को भी अच्छा लगता है, तो घर पे ले चलेंगे तो मम्मी भी गर्म करके खा लेंगे, तो इसलिए ये हम लोगों ने रोक रखा है। यार भी खुलने वाला है, मतलब होर्डिंग्स वगैरह लगी हुई थी, अब देखते हैं खुलता है या नहीं, और खुल जाए तो मज़ा ही आ जाए सही में, फिर तो कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर, जाते बता देती हूँ कि ये है कहाँ पे, डोमिनोज के पहली बार बिल्कुल सामने ही है,
और दुर्गा होटल जो है हमारे शाहजहांपुर में बिल्कुल पास ही में, आप लोग आराम से ही देख लेंगे। तो हम लोग आ गए गाड़ी में, अब जा रहे हैं टेलर के, उनसे मुझे कुछ सामान वापस लेना था तो वो लेने के लिए मैं जा रही हूँ। और बाकी कंपैरिजन कुछ भी नहीं है, डोमिनोज का अपना टेस्ट है, इनका अपना टेस्ट है। और प्राइस हाँ कह सकते हैं कि अभी इसका कम है, अभी इसका काफी कम है, क्योंकि हम लोग ऑर्डर करते हैं तो मतलब 550-600 रुपए का मीडियम पिज्जा ही आ पाता है। हाँ तो, और इसमें हम लोगों को तीन चीजें मिली हैं, और जो आप देख सकते हो हम दो लोग तो पूरी खा भी नहीं पाए, तो आराम से मतलब आप लोग खा सकते हो, तो अच्छा है फिर ये, बाकी ट्राई कर सकते हैं, है ना। और छोटे वाले पिज्जा जो है वो अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन नहीं अभी इस वक्त नहीं है क्योंकि सुबह से लोग आ रहे होंगे ना, तो उस वजह से उनका डो जो था वो खत्म हो गया था, पर सुबह से वो बोल रहे हैं कि मिल जाएंगे, तो वरना हम लोग छोटे वाले ट्राई करते पर वो थे ही नहीं अवेलेबल, क्योंकि जैसे ज्यादातर की लोगों की पसंद जो होती है वो वही और सही भी रहता है। पिज्जा मैनिया इसमें ये है, कौन सा फन पिज्जा कुछ, हाँ फन पिज्जा है, सेट ऑफ टू फन पिज्जा, तो मतलब ये रहता है कि उसमें फ्लेवर्स भी आप नए नए ट्राई कर सकते हैं, और सही भी रहता है, छोटा रहता है, खा लो अपना खत्म करो। मम्मी को देखते हैं कैसा लगता है, मम्मी को वैसे पिज्जा बहुत पसंद है, बहुत पसंद है मतलब अच्छा लगता है मम्मी को काफी, तो मम्मी को देखते हैं कि कैसा लगता है नई जगह का पिज्जा। तो यहाँ से मुझे लेनी है लेस उसमें लगवाने के लिए, तो वो भी लेने का लेस, हम तो सोचे यार ये चिप्स खाने को है क्या, यही सही बात है, सोच सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा सब काम हो चुका है, अब हम लोग घर जा रहे हैं, टेलर का भी काम हो गया, मैं दे आई हूँ उन्हें सब, और उन्होंने बोला वो बना देंगे, तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, बन के आ जाएगा तब मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। तो चलते हैं घर और फिर मिलते हैं आपसे। आ गए घर पे और मम्मी अब ट्राई करेंगी और बताएंगी कैसा लगा। मम्मी वैसे खाना खा चुकी है, लेट हो गया, 9 बज गया, लेकिन फिर भी मम्मी टेस्ट करेंगी, अच्छी लगेगी है ना। एक पता है इसका वो भी आती है क्या, दिवाली वाली लाइट, वो भी लेके आएंगे इस बार, जो जो नहीं वो एक इसी टाइप की होती है, उसे एक जगह लगा दो वो अच्छे से होती अच्छा है, अच्छा तो है, अच्छा तो अच्छा लगता है। हाँ पिज्जा अच्छा लगता है, मम्मी ने गार्लिक ब्रेड नहीं खाई, मम्मी को अच्छी, लेकिन दूसरी जगह का है। हाँ मम्मी अच्छा, हाँ जो नया खुला है, नया खुला पिज्जा हट, अच्छा उसका अच्छा है, इतना खराब है अच्छा है पर वो ओ, हाँ यार सही बात है, इसकी रेंज बहुत अच्छी है तभी ये महंगी है। हाँ कितनी दूर तक जा रही है वो वाली, देखा मुझे तो वो वाली पसंद है, स्कैटर वाली। हाँ वो चेंज करो, अरे वाह कितनी अच्छी लग रही है ना। हाँ जम के तैयारी करेंगे, आओ चले। इस घर पर हम लोग आ गए हैं और अब करते हैं इस ब्लॉग को एंड, बाकी डिनर विनर जो करना होगा थोड़ा बहुत हम लोग कर लेंगे। सो आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आए तो प्लीज प्लीज गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हैं तो, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू द नेक्स्ट वीडियो पर, बाय।